समाकलन आज शुरू कर रहे हैं और इसे हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। अभी तक हमने जितने भी इंटीग्रेशन पढ़े थे वो कुछ इस तरह से लिखे हुए थे। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इनको हम कहते थे आई, ठीक है। यहां पर निश्चित समाकलन में एक यहां कुछ लिखा हुआ करेगा संख्या और एक आई, इसे कहते हैं लोअर लिमिट और एक ऊपर वाली होती है अपर। लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी, ठीक है। निम्न सीमा उच्चतम सीमा, कोई दिक्कत है इसका जब इंटीग्रेशन निकल कर आया करेगा। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल से समझो। मान लो हम यहाँ पर कह रहे हैं साइन एक्स डी एक्स का अवकलन करना है और लिमिट है जीरो से पर, तो आप जैसे बिल्कुल जो इंटीग्रेशन होता है बिल्कुल वैसे ही सवाल को हल करें। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, प्लस सी लगा देते, प्लस सी नहीं लगाएंगे क्योंकि यह निश्चित कर दिया उसने, ब्रैकेट लगाएंगे समाकलन करने के बाद और यहाँ नीचे लिखेंगे ए जीरो जो लोअर लिमिट है, ऊपर लिखेंगे जो आप समझ लीजिए। सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे चाहे वो कितना भी टिपिकल है, लिमिट भूल जाएगा। इंटीग्रेशन करके जब फाइनल आंसर आ जाएगा तो उसमें बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, नीचे लोअर लिमिट लिखेंगे, ऊपर अपर लिमिट, बड़ा ब्रैकेट लगा। अब इसमें जिसके सापेक्ष समाकलन किया है पहले अपर लिमिट रख दूँ, माइनस कॉस फाइव माइनस का निशान, फिर लोअर लिमिट रख दो माइनस कॉस, बस समझा दें। इंटीग्रेशन करने के बाद पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस का निशान और उसके बाद लोअर लिमिट, कॉस पावर वैल्यू जीरो होता है माइनस, ये माइनस वन होता है, आंसर कितना आ जाएगा प्लस वन। यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा वो आपका इस लिमिट पर डिपेंड होगा। ये लिमिट क्या होती है ये हम विस्तार से आपको बाद में, अभी हम सीधे सवालों पर बात करें। लाइव पिछला वाली 7.9 देखिए, ये भूनी बच्चा अच्छे से समझ पाएगा जिसने समाकलन के सभी जो अनिश्चित समाकलन था उसको अच्छे से करा। अगर उसको अच्छे से अभी भी नहीं किया है आपने तो आप घर जाकर अच्छे से उसे करें। देखिए पहला सवाल, सबसे पहले हम सातवां सवाल देखते हैं। आई बराबर जीरो से फाइव बाई फोर टेन एक्स, टेन का इंटीग्रेशन याद है, चलो याद नहीं है किसी को, याद आया कुछ लॉग सेट एक्स। सबसे पहले इंटीग्रेशन का पढ़ाने के बाद हमने अगले एक्सरसाइज में कॉट एक्स टेन एक्स इन सबके sec x cosec x सबके इंटीग्रेशन निकलवाए, आज जाकर रिवीजन मार देना। अब आप लिमिट रखो माइनस sec π/4 कितना होता है रूट टू sec 45 माइनस sec 0 1 और log 1 कितना होता है 0, तो आपके पास आंसर आ जाए log। इसमें आंसर निश्चित आएगा, कोई दिक्कत। अब देखो अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो फिर बेटा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जो बच्चे उस समय एब्सेंट थे उन बच्चों के पास सुविधा है कि वो अपना वीडियो उस तारीख से देख लो जब से इंटीग्रेशन चल रहा है और सीक्वेंस में तीन चार दिन के वीडियो देख लो, ठीक है। खाली दो तीन वीडियो देख के क्लियर हो जाए, इसका बताओ कैसे हुआ इंटीग्रेशन। हाँ, ये बच्चे ने थोड़ा ठीक बताया। ऊपर नीचे दो से गुणा कर लो,
साफ साफ नीचे का अवकलन ऊपर का मिलेगा। और अगर ऐसा होता है डायरेक्ट आंसर क्या आता है, लॉग। ये तो टेक्निक हमने बता दी थी कि नीचे का अवकलन अगर ऊपर मिल रहा है सीधा सीधा, किस्मत अच्छी है ऐसा सवाल मिल रहा है, तो डायरेक्ट लॉग जो भी डिनोमिनेटर है वो आंसर है। एक बटा दो लॉग, नीचे समाकलन को हम धीरे धीरे करा देंगे थोड़ा सा, आप जल्दी से जल्दी से सीख लें। लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम बटे एन कितना एक बटे दो, इसमें सी नहीं लगा। तभी कहते हैं रोज आओ, तो चार बच्चे आ जाते हो, फिर वो चार आज नहीं आएंगे, वो कल आएंगे, फिर उनमें चार परसों आएंगे, इसलिए दिक्कत आ रही है। कंटिन्यूएशन में जब तक क्लास में नहीं आओगे आप, इसी तरह की परेशानियों में घिरे रहो। ये साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी रिवीजन करो बेटा इसका, तुम लोगों को बहुत रिवीजन की जरूरत है। अब देखते हैं 20वां, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स ई की घात एक्स प्लस तो जुड़ रहे हैं, जब भी पद जुड़ रहे हैं या घट रहे होते हैं तो इंटीग्रेशन को बांट देते हैं। इंटीग्रेशन पार्ट टू, इसमें यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहां पर तो सीधा सीधा साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस पाई एक्स बटे दो, और भाग कर देंगे जो भी एक्स का गुणांक है, कौन एक्स का गुणांक है, ये तो नियम बताया था। अगर x की घात एक होगी तो साइन x होता ही, लेकिन साइन पाई x बटे दो है तो आपको साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस। ठीक है, और जो भी x का गुणांक है उससे कोई समस्या। अब खाली ये बचा 0 to 0 to 1 x e की घात x dx। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, माइनस 2/5 कॉस, पहले एक मान रखो पाई बाई टू माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होता है, कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, और माइनस माइनस प्लस का कुल मिला के आपके पास प्लस 2/5 और यह 0 to 5 0 to 1 एक्स इसी घात एक्स। अब ऐसे करें क्योंकि दिमाग को मैंने लोड नहीं डाला आपने, डबल आई इक्वल टू चल रहा है हमारे पास ये, दोबारा देखो, यहाँ पर दो फंक्शन की गुणा हो रही है x और dx, यहाँ लगेगा आई लेट रूल, याद आया कुछ, बताओ किसे फर्स्ट मारा किसे सेकंड, आई लेट रूल से एक्सपोनेंट लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो सेकंड ही माना जाएगा जहां भी हो, तो ये सेकंड फंक्शन हो गया और ये फर्स्ट, यहाँ क्या लगेगा खंडश, खंडश का मैंने सिद्ध भी करवाया था, ये सूत्र कहाँ से आया क्या है, उसमें जितने भी बच्चे आए थे तुम लोगों में उसको मैंने लिख दिया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वीडियो ढूंढ लेना।
क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, पूरा विस्तार से बता रहा हूं, अंडर में पहला फंक्शन ऐसे लिखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन, इस पर लग जाएगी लिमिट 0 टू, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, पहले का इंटीग्रेशन वो पहले का डिफरेंशिएशन dx ऑफ x, दूसरे का इंटीग्रेशन, और जो भी आंसर आएगा इस आंसर का करेंगे हम इंटीग्रेशन। यहां तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 टू 1 लिमिट लगा, और यहां पे हमने लिमिट लगा दी, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन करने पहला फंक्शन ऐसे, दूसरे का इंटीग्रेशन जो भी आंसर आएगा फाइनली उस पे लगा दोगे लिमिट, और यहां पर माइनस के बाद क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है पहले से, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट लगा के उसके बाद पहले का डिफरेंशिएशन गुणा दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर दोनों की गुणा का पूरा इंटीग्रेशन। इसलिए कंफ्यूज मत होना इससे कि यहां 0 से 1 लगाया है कि नहीं लगाया, ये कितना आ जाएगा भाई, x e की घात x का e की घात x होता है 0 से 1 माइनस 0 से 1 x का डिफरेंशिएशन 1 e की घात x का e की घात x प्लस 2 / पाई लिखना छूट जाए, और e की घात x का ये आ गया इनटू dx प्लस 2 / पाई, ये कितना आ जाएगा, 1 लगाओ माइनस 0 लगाओ ये तो आएगा माइनस, ये क्या बचा e की घात x 0 से 1 dx प्लस 2 / पाई, तो e माइनस 0 माइनस ये e की घात x का इंटीग्रेशन e की घात x, अब लिमिट 0, लिमिट तब लगती है जब पूरा इंटीग्रेशन समाकलन हल हो जाए, हल हो गया e की घात x का, क्योंकि e की घात x का समाकलन e की घात x से होता है, लिमिट लगा दी कितनी 0 से 1, कितना आ गया e माइनस ये होगा e की घात 1 माइनस e की घात 0, e की घात 0 कितना होगा 0, क्यों 0 हो गया, बताओ नहीं हुआ, e की घात 1 तो e होगा, e की घात 0 होता है, एक दुनिया के किसी भी संख्या की घात 0 अगर है तो उसका उत्तर 1 आता है, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 / पाई, पाई ऐसे ले लो, पाई प्लस चेक कर लो आंसर, इसके सबके आंसर किताब से मैच करेंगे, जो अनिश्चित समाकलन है उसमें कुछ आंसर मैच करते हैं, उसमें कभी भी मैच नहीं निकलते, ठीक है, ठीक है, वन प्लस फोर, तो भैया फोर क्यों आएगा, फोर क्यों आएगा, कुछ हमने गलत कर लिया क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत तो नहीं उतर गया, हाँ साइन पाई बटा 4 है, कोई बात नहीं, अब आप पाई बाय 4 लगा घर पे कर लेंगे, पाई बाय 2 से यही आंसर है। चलिए अगला सवाल 18वां, जीरो से पाई, ऐसा करो माइनस कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, अरे इंटर के बच्चे हो, माइनस कॉमन लेना तो आता होगा, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है माइनस कॉमन लेने में, चलो ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला बन रहा है किसी का क्या, cos² xy2 - sin² xy2 1, आज तो मैं हो गया यार, क्या खा के आए हो सुबह सुबह, प्लस होता है तब 1 आता है, sin² प्लस थीटा प्लस cos² थीटा 1 आता है, ठीक है, हाँ ये cos 2 थीटा का सूत्र है, cos square x minus sin square x होता है cos 2x, अब यहाँ x y 2 लिखा है तो कितना हो जाएगा ये minus 0 से पाई cos x, क्योंकि cos 2 थीटा का मान है
cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आप ऐसा करो थीटा की जगह x y 2 रख दो, 2 गुणा x y 2 तो cos x रह गया, ये cos स्क्वायर x y 2 माइनस sin स्क्वायर, ठीक है। तो cos का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का sin x प्लस का प्लस का, और लिमिट हम लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा ये माइनस साइन पाई माइनस साइन पाई को जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है, कितना आ गया, ठीक है।